हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाला चैप्टर खत्म करवा दिया है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नेम है सॉफ्टवेयर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है। सॉफ्टवेयर तो हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर तो डेटा के डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के। वहीं सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है। सॉफ्टवेयर पैकेज एक सिंपली मल्टीपल एप्लीकेशन होती हैं और एक कंडक्ट मॉड्यूल होता है जो साथ में वर्क करते हैं बहुत सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। इट हैज़ मल्टीपल यूजर्स इन IT। अब IT का नाम तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसके काफ़ी सारे यूजर्स हैं। दस इन सिंपल वर्ड्स इट रेफर्स टू मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। इसको मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोला गया है जो एक साथ बंडल्ड हो रहते हैं और इनको बेका सेट में जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन असेंबल ऑफ फाइल्स। इसको हम असेंबल ऑफ फाइल्स भी कहते हैं। असेंबल ऑफ फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन कहते हैं उन फाइल्स के बारे में। देन हम इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, इंक्लूड एप्लीकेशन सच एज वर्ड, एक्सेल, SS एंड पावर पॉइंट। अभी हमने बात पढ़ी सिस्टम वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, देन सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है, देन पढ़ा हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे जो मैनेज करता है, जो कंप्यूटर जो है उसे मैनेज और सपोर्ट करता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर मैनेज करता है और सपोर्ट करता है उसके रिसोर्सेज को और ऑपरेशंस को कंप्यूटर सिस्टम पर। वाइल इट एग्जीक्यूट वेरियस टास्क, ये काफ़ी सारे टास्क को भी एग्जीक्यूट करता है सच एज प्रोसेसिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कंट्रोलिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड अलाउइंग यूजर्स टू यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दस दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर फंक्शंस एज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, एक टाइप है, तो ये एक ब्रिज के जैसा काम करता है हमारे कंट्रोल, मतलब हमारे ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर के बीच में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। देन इसमें बात की गई है दे आर मैनी काइंड ऑफ कंप्यूटर दीज डेज, और इस प्रकार के बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जिसका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजर होता है। सम ऑफ देम आर ईजियर टू लर्न, इसमें से जो कुछ होते हैं वो याद करने के लिए काफ़ी मददगार होते हैं और कुछ जो होते हैं दूसरों से बेटर होते हैं। दीज डिफरेंसेस मे कम फ्रॉम द टाइप्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रकार के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं थ्री काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स को। तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसके तीन प्रोग्राम होते हैं, उनका नेम है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम एंड द लास्ट इज सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसको थोड़ा ब्रीफली तो नहीं, लेकिन हाँ इसको थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं इसका, सो दैट हमको पता चल सके कि किस में क्या है। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, दीज आर प्रोग्राम्स दैट मैनेज द एप्लीकेशन। ये वो वाले प्रोग्राम होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर को करते हैं, ठीक है, डेटा रिसोर्सेज को करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। दीज प्रोग्राम इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन सारे प्रोग्राम में जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सारे इंक्लूड हैं, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम इंक्लूड हैं, DBMS प्रोग्राम इंक्लूड हैं, DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इंक्लूड हैं, टेली कम्युनिकेशन मॉनिटर प्रोग्राम की इंक्लूड हैं। अमॉन्ग दीज द मोस्ट प्रोग्राम एंड अमॉन्ग दीज इंपॉर्टेंट सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो मैनेजिंग प्रोग्राम्स और मैनेजिंग प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम क्या होता है। तो ये वो प्रोग्राम होते हैं जो कि मदद करते हैं किसी भी कंप्यूटर के मैनेजमेंट में, ऑपरेशंस में। कंप्यूटर सिस्टम में मैनेजमेंट तो होता है ना, तो उसी के ऑपरेशंस में ये मदद करते हैं। ऑपरेशंस का मतलब है कि एक प्रोसेस होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है कि पहले मतलब क्या वर्क करना है। जैसे हम बिजनेस में पढ़ के आए थे ना ऑपरेशंस, उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में भी ऑपरेशंस होते हैं। दे प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सपोर्ट सर्विसेज टू लेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम्स रन इफिशियंटली। इसमें ये जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और जो अदर सिस्टम प्रोग्राम है वो इफिशियंटली रन कर सकें।
अब कुछ हमें सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम दे दिए गए हैं, जैसे कि यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटर प्रोग्राम एंड सिस्टम सिक्योरिटी मॉनिटर प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं वायरस चेकिंग प्रोग्राम। तो आप इसमें से एक या दो लर्न कर लीजिएगा और वो इनफ होगा एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप उसमें एग्ज़ाम्पल दे सकें। देन आता है हमारा लास्ट प्रोग्राम, जिसका नेम है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। दीज आर प्रोग्राम्स दैट हेल्प यूज़र्स डेवलप इंफॉर्मेशन। ये वो प्रोग्राम है जो कि इंफॉर्मेशन को डेवलप कर, किसी भी मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोग्राम को डेवलप करता है। ठीक है, डेवलप जो होते हैं, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम होती है, उन्हें डेवलप यूज़र्स को मदद करता है डेवलप के लिए। एंड प्रिपेयर यूज़ प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग, और कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए भी, ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए बनाता है यूज़र प्रोग्राम। ठीक है, देन इसमें बात करी जा रही है द मेन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब कुछ मेन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जा रही है, वो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कंप्यूटर एडिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैकेजेस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।